गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नई पोएम पढ़ेंगे। आई एम अ टी पोट। टी पोट सबको पता है क्या होता है? टी पोट मतलब होती है चाय दानी। अब चाय दानी आप सब समझ पा रहे हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि चाय जिसमें से हम कभी कोई मेहमान आते हैं तो कप में चाय किसी एक चीज़ में लेके उनके कप्स में भरते हैं, तो जिसमें हम चाय स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? चाय दानी। आपको यहाँ मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार। आप सबको पता है आपकी बुक के नीचे वर्क टू डू दे रखा है, ध्यान से देखिए। ये जो है कप के पास में जो पतीला रखा हुआ है बड़ा सा, इसे क्या कहते हैं? टी पोट, यानी इसमें चाय दानी। इसमें क्या रखी जाती है? चाय भरी जाती है कप में रखने से पहले। तो इसकी एक स्टोरी है, इसके मन में क्या व्यथा रहती है, ये क्या बोलना चाहता है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप सबने देख लिया कि किस तरह की चायदानी यानी टी पोट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम अ टी पोट, टी ई ए पी ओ टी। टी पोट मतलब चायदानी, जिसमें चाय भरी जाती है कप में भरने से पहले। ठीक है, अब हम स्टोरी को पोएम को पढ़ते हैं। आई एम अ लिटिल टी पोट, LITTLE, लिटिल मतलब छोटा, छोटा टी पोट यानी एक छोटी चायदानी। शॉर्ट एंड स्टाउट, SHORT, शॉर्ट यानी छोटा एंड स्टाउट, STOUT, स्टाउट मतलब मजबूत। ये छोटा, मैं छोटा और मजबूत एक चायदानी हूँ, मैं एक टी पोट हूँ जो छोटा है और मजबूत है। हियर इज़ माई हैंडल, यानी मेरे पास एक हैंडल भी है। हियर इज़ माई स्पाउट, SPOUT, स्पाउट मतलब टोटी, जिसमें से चाय निकलती है, और हैंडल जहाँ से चाय भरी जाती है। हैंडल यानी जहाँ से उसे पकड़ा जाता है, HANDLE, हैंडल। एंड स्पाउट SPOUT, स्पाउट यानी टोटी। आपके घर में हो चायदानी यानी टी पोट हो तो देखना उसमें, जैसे कप में ये इधर इस साइड ही आप देखो, यहाँ पे ये हैंडल है, इस तरह के हैंडल होता है, और एक आगे जो भी हमने फोटो देखा था उसमें एक हाथी की सूंड की तरह एक स्पाउट थी, जिसे हम टोटी कहते हैं, जिसमें से चाय बाहर निकलती है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, स्पाउट मतलब टोटी, SPOUT। आई सी द टी कप्स, CEE यानी देखा, मैंने देखा, क्या देखा? द टी कप्स, TEA, मतलब चाय के कप्स देखे मैंने, जिनमें चाय हम पीते हैं, CUPS, कप्स। एंड बिगन टू शाउट, और मैं चिल्लाने लगा, क्या चिल्लाया वो हम आगे पढ़ते हैं। एंड बिगन, BEGIN, यानी मैंने शुरू करा, बिगन मतलब शुरू करा, शुरू करना। टू शाउट, क्या शुरू करा उसने? चिल्लाना, शाउट मतलब चिल्लाना, SHOUT, शाउट मतलब चिल्लाना। उसने क्या चिल्लाना चालू करा? एंड बिगेन टू शाउट। टिप मी अप, टिप TIP, मी अप, मी मतलब मेरे को और अप मतलब मुझे ऊपर उठाओ। टिप मी अप यानी मुझे उठाओ, टिप मतलब मुझे और मी मतलब मुझे और टिप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर और टिप मतलब उठाओ। ठीक है बच्चों, तो टिप मतलब उठाना, बाकी के वर्ड्स के मीनिंग मैंने लिखे नहीं है पर मैं बोल चुका हूँ, तो आपको क्या करना है, लिखना है। टिप मी अप, टिप मतलब उठाना, मी मतलब मुझे, अप मतलब ऊपर, मुझे ऊपर उठाओ। कौन बोलता है? टी पोट। टी पोट क्या बोलता है? मुझे ऊपर उठाओ, उसे क्या दिख गया? चाय के कप। एंड पोर मी आउट, यानी मुझ में जो चाय भरी है उसे बाहर निकालो। पोर मतलब मुझ खाली करना, मुझे बाहर निकालो, जो उसके अंदर चाय भरी उसे खाली करने को बोलता है वो। और POUR, पोर का मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड यानी किसी भी जो चाय है, पानी है, उसे बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड पोर, POUR। एंड पोर मी आउट यानी मुझ में जो चाय भरी है उसे बाहर निकालो, मुझे खाली कर दो, ये कौन बोलता है? टी पोट। ठीक है, ये छोटी सी पोएम थी, इतनी सी, इसे एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आई एम अ लिटिल टी पोट, मैं एक छोटा चायदानी हूँ। शॉर्ट एंड स्टाउट, मैं छोटा हूँ और स्टाउट मतलब तगड़ा, मोटा या मजबूत, मैं छोटा हूँ और मोटा हूँ या छोटा तगड़ा हूँ, मैं मजबूत टी पोट हूँ। हियर्स माई हैंडल, एक साइड तो मेरा हैंडल है। एंड हियर्स माई स्पाउट, स्पाउट यानी टोटी, जिससे चाय बाहर निकलती है।
हेयर्स माय स्पाउट, SPOUT, स्पाउट मतलब टोंटी जिससे चाय बाहर निकलती है। आई सी द टी कप्स, मैंने चाय के कप्स देखे। एंड बिगन टू शाउट, जब मैंने चाय के कप देखे तो मैं क्या करने लगा, मैं चिल्लाने लगा। मैं क्या चिल्लाया वो देखते हैं। टिप मी आउट, मुझे ऊपर उठाओ और मेरे अंदर जो चाय भरी है उसे बाहर निकाल दो, मुझे खाली कर दो। क्योंकि टी पॉट का काम क्या होता है, चाय को रखना अपने अंदर जब तक वो कप्स में नहीं जा रही। और अब देखते हैं ये, अब ध्यान से देखो, उसमें बोला क्या था, हियर्स माई हैंडल, ये जहाँ से टी पॉट को उठाया जाता है ये तो इसका क्या है, हैंडल है, यानी इसे यहाँ से पकड़ा जाता है। और जो दूसरा था स्पाउट, एंड हियर्स माई स्पाउट जो वर्ड था वो मतलब टोटी, ये जो दिख रहा है आपको हाथी की तरह, हाथी की सूंड की तरह स्पाउट, इसमें से क्या है चाय बाहर निकलती है। सबको पता है चाय बाहर निकल के कप में डाली जाती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्पाउट। ये क्या है, टी पॉट की चाय वो सूंड, या फिर आप इसे टोटी कह सकते हो, जो नल से जिससे पानी आता है ना उस टाइप की टोटी। अब इसमें से भी अंदर चाय भरी है, आपके जग होते हैं या फिर ये इन सबको, इनमें सब में स्पाउट यानी टोटी होती है। अब आपको सबको पता ही है, आपने देखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो आपके घर में सब में टी सेट होगा ना, जहाँ कप्स होते हैं, प्लेट्स होती है और ये टी पॉट होता है। ठीक है, ये उसकी स्टोरी टी, तो टी पॉट क्या बोलता है, हियर्स माई हैंडल एंड हियर्स माई स्पाउट, ये तो मेरा हैंडल है जहाँ से मुझे पकड़ा जाता है और ये मेरी क्या है, स्पाउट टोटी है जिससे चाय बाहर निकलती है। और मैं जब कप को देखता हूँ, आई सी द टी कप्स, यानी मैं जब चाय के कप्स देखता हूँ तो मैं चिल्लाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे इस हैंडल से पकड़ के ऊपर उठाओ और मेरे अंदर मुझे खाली कर दो, जो मेरे अंदर चाय भरी वो कहाँ डाल दो, कप्स में डाल दो। ठीक है, ये इसकी, ये क्या थी, इस टी पॉट की छोटी सी स्टोरी या छोटी सी पोएम आप कह सकते हो। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा सुनना है, अच्छा लगता है, तो आप यूट्यूब पर जाके आप इस, ये पूरा एक सॉन्ग है, आई एम अ टी पॉट नाम से सर्च करोगे तो ये एक बहुत बड़ी पोएम, इसमें आपका एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, आप पूरी पोएम सुनना, बहुत अच्छी पोएम है। और इसी के साथ आपकी ये पोएम ख़त्म होती है।